तरीके से पुलिस वाला एक शख्स के साथ बर्बरता कर रहा है। एक बुजुर्ग शख्स को घसीटते हुए मारते हुए रेलवे स्टेशन पर सबके सामने पीट रहा है। आप ये चेहरा देखिए, उस प्रशासन का, उस कानून का और उस वर्दी वाले का जो इस तरीके की बर्बरता कर रहा है इस शख्स के ऊपर। आप देखिए किस तरीके से पुलिस वाला लात घूंसे बजा रहा है और सामने ये शख्स लगातार इस तरीके का काम कर रहा है, मगर उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसने वर्दी पहनी हुई है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से एक वर्दी वाला लगातार गुंडागर्दी कर रहा है। ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर बुजुर्ग पर पुलिस वाले की ये बर्बरता, लात मारी, घसीटकर प्लेटफॉर्म पर उल्टा लटका दिया जा रहा है। सोचिए, प्लेटफॉर्म पर और पूरी जनता के सामने इस तरीके की एक शख्स के ऊपर बर्बरता करने वाला ये वर्दी वाला आखिर किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, आप सोचिए। प्रशासन का ये बेशरम चेहरा देखिए, किस तरीके से पूरे प्रशासन पर सवाल पैदा करता है और लगातार किस तरीके से एक और सवाल पैदा करता है कि एक पुलिस वाला जिसके पास सभी तरह की शक्तियां हैं, तो वो क्या अपने शक्ति का इस्तेमाल इस तरीके से बुजुर्ग को मारने पर करेगा। अगर पुलिस वाले के सामने ये जो शख्स है जिसको पीट रहा है, अगर वो मुजरिम है तो उसको कानून के तहत वो पकड़ सकता है, उसको अंदर ले जाके जेल में बंद कर सकता है। लेकिन ये किस तरीके से पुलिस वाला कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से उसको लगातार लात घूंसों से उसको मारपीट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। पूरी जो पब्लिक है वहां पर मौजूद है, पूरा प्रशासन पे ये सवाल खड़ा करता है क्योंकि अभी जो वर्तमान समय की वहां पर मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है लगातार दूसरी पार्टियों पर जो लगातार उंगलियां उठाती है, मगर अपने ही राज्य में नहीं झांकती है कि किस तरीके से पुलिस वाले बर्बरता कर रहे हैं एक आम जनता पर, किस तरीके से बुजुर्ग पर ये लगातार लात घूंसे बरसा रहा है ये एक वर्दी वाला गुंडा, आप सामने देख सकते हैं। क्या पुलिस पर कोई प्रशासन लागू नहीं होता? क्या पुलिस के पास इस तरीके का लाइसेंस है कि किसी को भी मार पीट सके, लात घूंसे बरसा सके? क्या पुलिस को ये सब ऑथराइज्ड है? ये सवाल खड़े करता है सीधा सीधा कानून पर और सीधा सीधा प्रशासन से सवाल पूछने का हक अधिकार रखते हैं लोग और पूछना चाहते हैं क्या इस तरीके से पुलिस वाले को ये वर्दी के अंदर गुंडाधारी जिस तरीके से लात घूंसे बरसा रहा है, क्या उसको ये सारे अधिकार प्राप्त हैं? कायदा और संविधान तो ये कहता है कि जिस तरीके से पुलिस वाला अगर किसी को मुजरिम पाता है तो उसको वो पकड़ सकता है, जेल में डाल सकता है, लेकिन क्या वो इस तरीके से अपनी इस शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या लात घूंसे बरसाने का उसको अधिकार प्राप्त है? क्या पुलिस वाला किसी पर इस तरीके से लाठी डंडे और लात घूंसे मार सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक है। अगर संविधान ये कहता है कि आप किसी को मुजरिम पाते हैं तो उसको आप कानून और न्यायालय के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन क्या पुलिस वाले के हाथों में कानून एक जज की तरह बनकर किसी शख्स को पीटना और मारना, क्या पुलिस वाले ही जज बन गए हैं? ये सवाल पैदा करता है लगातार। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है इस तरीके का कृत्य, लगातार मध्य प्रदेश में इस तरीके की बार बार जो है शोषण की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बार बार ऐसी तस्वीरें वहां से ही आ रही हैं। तो मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी है वो चुप लगा कर बैठी है कि उन्हीं के राज्य में इस तरीके के काम हो रहे हैं, लेकिन चुनाव है, उसके लिए उन्हें जीतना है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी उसी में मग्न है, मस्त है। सारे जितने भी पार्टी और नेतागण हैं सब किसी को किसी आम व्यक्ति से क्या लेना देना कि किसकी जान जा रही है, कौन भूख से मर रहा है, कितनी जीएसटी बढ़ रही है, अनाज, तेल, दाल जैसी चीजें तक जीएसटी लगाकर महंगी कर दी जा रही है, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता और शोषित और पीड़ित जनता पर पड़ता है क्योंकि गरीब ही बना हुआ है इस सबको झेलने के लिए। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसी तरीके से लगातार जब कोई गरीब प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से बैठा हुआ हो तो ऐसे ही पुलिस वाले आकर वर्दी में किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं,
ये तस्वीरें बयां करती। सवाल तो ये भी खड़ा होता है, जब पुलिस वाला ही गुंडा बन जाए तो आम जनता क्या ही करेगी, क्या ही करेगी वो जनता जो पुलिस वालों के पास अपनी कंप्लेन लेके जाती है, अपनी दरख्वास्त लेकर जाती है, वो जनता आखिर क्या करेगी ऐसे पुलिस वालों के पास जाकर, जो पुलिस वाली वर्दी में ही गुंडाधारी हो, जो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो वो भी वर्दी में। जी हाँ, वर्दी में। आप सामने देख सकते हैं सीधे तौर पर किस तरीके से वर्दी के रौब में ये पुलिस वाला उस बुजुर्ग को घसीटते हुए रौंद रहा है, ये सामने है आपके। ऐसे लोग न केवल वर्दी की हंसी उड़वा रहे हैं बल्कि कोर्ट, जज और कानून जैसी चीजों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोर्ट, जज और कानून कुछ भी नहीं रह गया है। लगातार जिस तरीके से ये पुलिस वाले गुंडा बन के घूम रहे हैं, वर्दीधारी गुंडा कहलाते हैं, अब ये किस तरीके से लोगों पर अपना डंडा बरसाते हैं आप सामने देख सकते हैं। क्या यही विश्व गुरु बन रहा था, क्या यही राम राज्य बना रहे थे हमारे मोदी जी, क्या इसी तरीके का राम राज्य लाना चाहते थे जिसमें शोषित पीड़ित लगातार और शोषित पीड़ित होता रहे, क्या इसी तरीके के राम राज्य के साथ मोदी जी विश्व गुरु का नारा लगा रहे हैं, क्या लगातार इसी तरीके से राष्ट्रीय गुरु बन रहा है हमारा देश, क्या इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे मोदी जी, तो इस हिंदू राष्ट्र में मोदी जी ये भी देख ले कि किस तरीके से आम जनता प्रताड़ित हो रही है आपके ही कानून द्वारा, आपके ही प्रशासन में किस तरीके से आम जनता का जीना दूभर हो गया है, ये सामने तस्वीरें बयां करती हैं। अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो जरा सा अपने राज्य में भी झांक लीजिए कि किस तरीके से एक वर्दीधारी गुंडागर्दी करता फिर रहा है। क्या इन वर्दीधारियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस प्राप्त है, या तो ये गुंडागर्दी कर ले या तो वर्दी पहन ले, इस तरीके के सवाल लगातार जनता पूछ रही है। और आपको मैं अब लगातार जिस तरीके से ये वीडियो जो वायरल हो रहा है और उस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिखते हैं कि पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती, दिलवा सकती है, इसलिए मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ इस पुलिस वाले को उसके पद से बर्खास्त किया जाए। लगातार इस तरीके के जो है प्रतिक्रिया आ रही है, आपको मैं बता दूं। एक तो लिखते हैं, जब खुले आम पुलिस ऐसी बर्बरता कर सकती है तब आप अंदाजा लगा लो वो बंद हवालात में कितनी बर्बरता कर सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से मणिपुर, पुलिस का सब जगह एक ही रवैया रहता है, पैसे के लालच में कोई भी नीचता कर सकती है। सोचिए पुलिस के ऊपर लगातार इस तरीके की उंगलियां उठती आई हैं और पुलिस वाले जो हैं लगातार इस तरीके से गुंडागर्दी करते आ रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से गुंडा बताया जा रहा है पुलिस वाले को, जो ये बर्बरता कर रहा है पुलिस वाला लगातार। ये एक तस्वीर नहीं है, ये एक वीडियो नहीं है, आप कितनी ही वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कितनी ही बार ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें पुलिस वाले इस तरीके से किसी शोषित और पीड़ित को किस तरीके से बर्बरता से मारते हैं, ये आप देख सकते हैं। वर्दी में छिपा गुंडा है, अगर इस बुजुर्ग ने कुछ किया भी है तो जेल में बंद कर सकते हैं, ऐसे गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं। सोचिए पुलिस का इस तरीके का चेहरा सामने आना कितनी शर्म की बात है। सोचिए ये जो सरकार बैठी हुई इस तरीके से देख रही है, उनके राज्य में लगातार इस तरीके से काम किया जा रहा है, इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए जो लोग है, वो जनता है, वो किस तरीके से पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा रही है। जब आपके ही प्रशासन में लगातार पुलिस वाले इस तरीके का काम करेंगे तो आम जनता का वाकई में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कुछ पुलिस वाले अपने आप को आम जनता के सामने भगवान समझते हैं, उन्हें लगता है उनसे बड़ा कोई नहीं है और नेता लोग सामने मुंह तक नहीं खोलता है। तुरंत प्रभाव से इसको नौकरी से निष्कासित करना चाहिए। लगातार इस तरीके के जो है ट्वीट आ रहे हैं कि निष्कासित की जो मांग की जा रही है, बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, लगातार जो है वहां के प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, शिवराज चौहान जी से लगातार लोग जो है उसको संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। सोचिए जो मध्य प्रदेश जबलपुर में ये तस्वीरें जो बार बार सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश में जो सरकार आपको मालूम होगी किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ये सरकार इस तरीके के जो पुलिस वाला इस काम को अंजाम दे रहा है, क्या इस पर कोई संज्ञान लेगी, ये सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा। जब इनके ही राज्य में पुलिस वाले गुंडे बन जाए तो आम जनता का वाकई में क्या हाल हो सकता है,
ये सोचने वाली बात है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़। शुक्रिया।